बलिया जिले में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के किसानों ने देश के 543 सांसदों का जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पुतला फूंका और किसानों के लिए बनाई गई नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो भारत बंद आंदोलन करेंगे। 5/6/2020 को जो है किसान विरोधी नीतियाँ जो पास की गई थी, जो किसान के हित में नहीं है, उनके विरुद्ध में है, इसलिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने जो पूरे देश भर में पहले चरण में एंटीमेट दिया था, जो जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया, और दूसरे चरण का जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा का आंदोलन है वो देश के 543 संसदों का जो है पुतला दहन का कार्यक्रम का जो है आज कार्यक्रम पूरे देश भर में, और तीसरे चरण का जो हमारा कार्यक्रम है वो सभी तहसीलों पर जो है सभी विधायकों का जो है पुतला दहन का कार्यक्रम तीसरे चरण का कार्यक्रम है, उसकी सूचना जो है हम आगे प्रेषित कर देंगे। कारण क्या रहा? कारण यही है कि जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जो तीन मुद्दे जो है किसान विरोधी 5/6/2020 को कानून पास किया गया था, उसी के विरुद्ध में राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा जो है यह आंदोलन किया जा रहा है। पत्र का आपने सौंपा, क्या आश्वासन मिला आपको? अब उन्होंने कहा कि मैं ये ज्ञापन ऊपर तक पहुंचा दूंगा, ऊपर की कार्रवाई अब ऊपर के लोगों को करना है, जो ये संसदों का जो संसदीय बोर्ड कैबिनेट का ये फैसला है, तो उन लोगों को ये फैसले लेने, हम यहाँ ज्ञापन जो है राष्ट्रपति के माध्यम से हम पहुंचा देंगे। अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? बातें नहीं सुनी गई, अगर नहीं सुनी गई तो हम अगले चरण में जो है बड़े पैमाने पर इसके लिए भारत बंद का कार्यक्रम। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।